गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द फर्स्ट लेसन ऑफ ज्योमेट्री बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री बिफोर दिस वी हैव लर्न द फर्स्ट पार्ट ऑफ बेसिक कॉमेट्री इन ज्योमेट्री नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द नेक्स्ट पार्ट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट जोमेट्री इसके पहले हमने पहले वीडियो में एक कॉन्सेप्ट पढ़ी थी अब उसके आगे का लेसन हम लोग पढ़ने वाले हैं सो लेट्स सी व्हाट इज देर कैन यू टेल हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन दिस पिक्चर क्या आप बता सकते हो कि इस पिक्चर में कितने पॉइंट्स हैं यस देर आर नॉइन नाइन पॉइंट्स इन द फिगर नेम देम इफ यू चूज एनी टू पॉइंट्स हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू द पेयर अभी ये जो यहाँ पे अलग-अलग नाइन पॉइंट्स दिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन सो देर आर नाइन पॉइंट्स अगर हम लोग कोई भी दो पॉइंट्स चूज करते इफ यू चूज एनी टू पॉइंट्स हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू द पेयर सो यस वी कैन सी ओनली वन वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू एनी टू डिस्टेंस सो बाय दिस वी गेट दैट वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू एनी टू डिस्टिंग पॉइंट मतलब किन्हीं दो अलग अलग बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा जा सकती है नाउ वॉट अबाउट एनी थ्री पॉइंट्स अगर हमने थ्री और मोर पॉइंट्स लिए थ्री और मोर पॉइंट्स में से कितनी लाइन जा सकती है स्ट्रेट लाइन सो थ्री और मोर पॉइंट्स विच लाई ऑन सिंगल स्ट्रेट लाइन आर सेट टू बी को लीनियर पॉइंट्स अगर ये तीन पॉइंट्स एक ही लाइन से जा रहे हैं तो इन तीनों लाइन्स को हम लोग को लीनियर पॉइंट्स कहते हैं ऑफ दिस नाइन पॉइंट्स नेम एनी थ्री और मोर पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन सेम लाइन सो अभी ये जो लाइन है अगर हमने यहाँ से एक लाइन खींची तो दीज पॉइंट्स डो नॉट लाई ऑन दिस लाइन सो सच पॉइंट्स आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब जो एक लाइन पर नहीं है उनसे अलग लाइन बन सकती है बट दे आर नॉट ऑन द सेम लाइन सो दे आर कॉल्ड नॉन कोलीनियर पॉइंट्स सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न द प्लेन नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स सो वॉट डू यू सी इन दिस पिक्चर्स अभी ये इसका जो रूफ है इसका जो रूप है द रूप ऑफ दिस टेबल

नाउ लुक एट दिस प्लेन लुक एट दिस फिगर केयरफुली अब इस फिगर को ये जो एरोज दिए हैं सी दिज एरो दैट कि यह प्लेन एक तरफ पड़ सकता है अब अगर ये चारों तरफ पढ़ रहा है सो द नेम ऑफ द प्लेन इन दिस पिक्चर इज यच इसका नाम यच है इवेन दो वी हैव ड्रॉ सुटेबली स्मॉल फिगर ऑफ द प्लेन इट इज़ एक्चुअली एक्सटेंड इंफाइनेटली ऑन आल साइड्स मतलब ये जो प्लेन है भले ही हम लोग इसका फिगर बहुत छोटा निकालते हैं लेकिन ये चारों तरफ बढ़ सकता है और ये चारों तरफ बढ़ सकता है ये दिखाने के लिए हम लोग ये जो एरो हेड्स है उनका उपयोग करते हैं हाउ एवर एरोज़ आर ऑफन ओमिटेड फॉर द सेक ऑफ़ कन्वीनियंस मतलब ये एरोज हम लोग हर जगह दिखाते नहीं हैं केवल आपको समझाने के लिए हमने एरोज दिखाए हैं अदरवाइज़ इस एरोज़ को हम लोग हटा देते हैं नेक्स्ट नाउ लुक एट दिस पिक्चर दिस इज अ पेज ऑफ अ नोटबुक एक नोटबुक का पेज है इज दिस पेज ऑफ पेज अ पार्ट ऑफ अ प्लेन क्या हम लोग इसको एक प्लेन का पार्ट कह सकते हैं यस इफ यू एक्सटेंड द लाइन्स दैट रर्न साइडवेज ऑन द पेज विल दे मीट इच अदर समवेयर अभी ये जो पेज है इसकी कोई भी दो लाइन ले लो हाँ इसकी कोई भी दो लाइनें अगर हम लोग इनको एक्सटेंड करते जाएंगे तो क्या ये दोनों लाइनें एक दूसरे को मिल सकती है यस yes, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कभी भी मिल नहीं सकती सो सच लाइंस विच लाई ऑन द सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्ट आर सेट टू बी पैरल टू ईच अदर तो ऐसी लाइनें जो एक ही प्लेन पर है और एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट यानी छेदित नहीं करती उन्हें हम लोग पैरल लाइन्स कहते हैं सो द नेक्स्ट इज राइट द प्रॉपर टर्म इंटरसेक्टिंग लाइन्स और पैरल लाइन्स इन ईच एम टी बॉक्सेस अभी आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे। सी दीज आर द लाइन्स देन दूसरा सवाल है

और ये जो लाइनें हैं ये यहाँ अभी इंटरसेक्ट नहीं हुई है बट दे विल डेफिनेटली इंटरसेक्ट फॉर द श्योर सो दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स सो नेक्स्ट हमको देखना है अभी यहाँ पे ये खो खो का गेम है हमने भी खेला है ऑब्जर्व द गेम बींग प्लेड आइडेंटिफाई को लीनियर प्लेयर्स एंड नॉन कोलिनियर प्लेयर्स सो कोलियर प्लेयर प्लेयर्स कौन से हैं देखो अभी ये जो लाइन है ये एक ही लाइन पर ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और भी दो लोग बैठे होते सो दीज स्टूडेंट्स और दीज प्लेयर्स और ऑन द सेम लाइन सो दीज आर कॉल्ड कोलिनियर प्लेयर्स और ये जो है ये भाग रहे हैं सो दीज आर कॉल्ड नॉन कोलीनियर प्लेयर्स और ये जो दो लाइने हैं दीज लाइन्स आर कॉल्ड पैरल लाइन्स नाउ वी आर गोइंग टू सी अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ ओरियन अभी कॉन्स्टिलेशन आपको मालूम है सप्तर्षी हम लोग जिसे बोलते हैं हम लोग वो सप्तर्षी अगर देखते हैं तो उस सप्तर्षी में हमें क्या दिखाई दे रहा है अभी इस कॉन्स्टिलेशन में ये जो तीन लाइने हैं ये तीन लाइन कोलिनियर है और ये नॉन कोलिनियर टू दिस लाइन सो so, वी कैन से दैट देयर आर सम कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिस एट वन पॉइंट वन लुक एट द फिगर अलॉन्ग साइड एंड नेम द फॉलोइंग आपको ये जो फिगर दिया है इस फिगर को देखना है और हमें नेम ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स रेज लाइन सेगमेंट एंड लाइन्स ये चारों पॉइंट्स लिखने हैं सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक लाइन लेता हूँ आर ओ एन आर आर एन ये लाइन अगर लेता हूँ तो इस पर को लीनियर पॉइंट्स कौन से हैं आर ओ एंड एन सो आई कैन मैंशन दैट पॉइंट आर पॉइंट ओ एंड पॉइंट एन पॉइंट आर पॉइंट ओ एंड पॉइंट एन अगर मैं दूसरी लाइन लेता हूँ यम टी सो वी विल गेट पॉइंट एम पॉइंट ओ एंड पॉइंट टी एज को लीनियर पॉइंट नेक्स्ट रेज सी हियर इफ ओ इज़ द ओरिजिन अगर मैं ओ को ओरिजिन लेता हूँ सो आई कैन गेट रे ओ पी रे ओ एन रे ओ टी रे ओ एस रे ओ आर एंड रो रे ओ एम सो आई कैन गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस देन लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट क्या होता है इफ़ टू पॉइंट्स इफ आई टेक टू पॉइंट्स ऑन अ लाइन दैट द डिस्टेंस बिटवीन दैट टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट सो so, यहाँ पे सेगमेंट एम टी और सेगमेंट आर्यन जैसे सेगमेंट एम टी और सेगमेंट आर एन ये दोनों लाइन सेगमेंट है अगर मैं ओ से लेता हूँ तो ओ पी ओ एन ओ टी और ओ एस ये भी लाइन सेगमेंट हो सकते हैं नाउ नेम द लाइन्स सो हियर देयर आर टू लाइन्स लाइन एम टी एंड लाइन आर्यन आर गिवन इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिखती है तो यू कैन नेम इट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन अभी ये एक लाइन दी है आपको अब यहाँ पे आपको इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम लिखने हैं एक नाम तो ये है लाइन यल लाइन यल अब और कौन से नाम हो सकते हैं विकेंसी लाइन ए बी ए बी अगर मैं इन दोनों को ही लेता हूँ तो भी बोल सकते हैं लाइन ए सी लाइन ए डी लाइन बी सी line bd line ba line cd line cb line ca line dc line db and line da i can take any of these two points and name the line question number 3 match the following here group a is given and here group b is given so what is the first question this is the figure of a line so it is a line then c देयर आर नो एरोहेड्स हियर सो दैट मीन्स इट इज अ लाइन सेगमेंट सो इट इज लाइन सेगमेंट एंड वॉट इज दिस यस इट्स अ प्लेन वेरी गुड एंड सी हियर द ओरिजिन इज गिवन एंड वी नो द वी डोंट नो द एंड सो इट इज अरे जो एक जगह से शुरू होती है और एक ही तरफ बढ़ती जाती है उसे हम लोग रे कहते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर फोर ऑब्जर्व द फिगर बिलो नेम दैरल लाइन्स

ई चाह नाउ कॉन करेंट लाइन्स कॉन करंट माने क्या होता है जो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है सो लाइन ए बी सी ए बी सी एंड लाइन ए डी और ए सी आर कॉन करंट लाइन्स आल्सो हियर लाइन पी क्यू एंड लाइन ए डी और डी सी आर कॉन लाइंस लाइन्स आल्सो लाइन एम एंड लाइन ए डी Are also concurrent lines. So, like this, you have to solve the exercise. Thank you.